आपके हाथ में, आपके पर्स में, आपकी जेब में रुपये टिकते नहीं हैं। आपको बार बार गुस्सा आता है, बेवजह गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा करते हैं, मन बेचैन रहता है, बिना वजह मन बेचैन रहता है, उदास रहते हो, रात को ठीक से नींद नहीं आती है। दोस्तों, बिना जन्म कुंडली देखे एक बात तय कर लेना, चंद्र कमजोर है, चंद्र के साथ कोई पापी ग्रह बैठा है। दोस्तों, आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर ये समस्याएं आपके जीवन में है, आपकी जन्म कुंडली में चंद्र कोई भी भाव में है, कोई भी राशि में है, कोई भी ग्रह के साथ में है, आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, आपका बर्थ चार्ट नहीं है, आपके जन्म के डिटेल्स भी आपको मालूम नहीं है, मगर ऐसी समस्या है आपके जीवन में, रुपये टिकते नहीं हैं, बेवजह गुस्सा आता है, बेवजह मन बेचैन रहता है, हमेशा टेंशन में रहते हो, बेचैन रहते हो, उदास रहते हो, रात को ठीक से नींद नहीं कर सकते हैं, दोस्तों अति सरल उपाय देता हूँ। उपाय सरल है, आसान है और उतना ही सटीक है। कुछ समय तक आप ये उपाय करते रहे, कोई दिन छूट जाता है, भूल गए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी दिन से उपाय आप शुरू कर सकते हैं। आप कोई भी प्रांत में है, कोई भी कंट्री में है, आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी समस्या है चंद्र ठीक नहीं होने की वजह से, वो सभी समस्याएं धीरे धीरे कम अवश्य हो जाएगी। वो बात पे पूरा भरोसा रखे, विश्वास रखे, श्रद्धा रखे, आस्था रखे। पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम। ऐसी जानकारी में रुचि रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाए, छोटे से प्यारे से परिवार के साथ आप भी जुड़ जाए। छोटी रिक्वेस्ट, नम्र अर्ज, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बिना भूले भगवान श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखे। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आपको समस्या का समाधान चाहिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, आपकी जो भी समस्या है, समस्या का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। प्लीज़ कॉल ना करें, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, सिर्फ मैसेज करके रख दें, जवाब आपको अवश्य मिलेगा, छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी। नंबर नोट कर लो, 8732985130, 8732985130, इस नंबर पर आप मैसेज करके रख दें। दोस्तों, हर दिन सुबह में जब आप स्नान करने जाए, तब स्नान से पहले यह काम कर ले। जब स्नान करने के लिए बैठे, तब आपकी राइट हैंड की हथेली में थोड़ा पानी लेना है, थोड़ा जल लेना है, अपनी आंखें बंद करें, भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान शिव को देखें, भगवान शिव की जटा में से जो गंगा जी निकल रहे हैं वो गंगा जी को देखें, शिव की जटा के ऊपर जो चंद्र रहे वो चंद्र का ध्यान करें, मन ही मन 5 बार बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो पानी आपके सिर के ऊपर डाल दे, आपके बालों में डाले, बाद में स्नान करें। ये उपाय आप नित्य करेंगे तो कमजोर चंद्र की वजह से जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही है, वो सभी समस्याएं कम अवश्य हो जाएगी, धीरे धीरे आपके जीवन से वो सभी समस्याएं दूर अवश्य हो जाएगी। दोस्तों, उपाय ठीक से समझ के होंगे, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, दिल से थैंक यू, खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः, धन्यवाद, वंदे मातरम।